एक प्रक्रिया शुरू हुआ अनसंग हीरो का कला कुंभ। ये सचमुच जैसे हमारा कुंभ मेला होता है, स्नान होता है, एक स्पिरिचुअल बात लेते हैं, तो ये कलाकार के लिए से एक स्पिरिचुअल कलरफुल बात है। जो युवा चित्रकार यहाँ पे आए हुए हैं, जो बना रहे हैं, अधिकतर युवा हैं, आप देखेंगे वो उनकी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, वो एक तरह से डायरेक्ट जो है उन स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ रहे हैं और वो आगे इस बात को और फैलाएंगे पूरा। तो जब ये कैनवस वहाँ पे राजपथ पे लगेगा तो आप सोचिए कि इसे सिर्फ अपना देश के लोग नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। पटना बिहार से हैं और ये जो पैनल है हमारा, ये पूरे बिहार को दर्शाता है, बिहार के कलात्मक और जो भी मतलब धरोहर रहा है और स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे बिहार के हुए, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है देश को आज़ाद करने के लिए, उनको हमने दर्शाने का प्रयास किया है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सजित मिंज है और मैं झारखंड से आया हूँ। ये झारखंड से है शेख भिखारी, जिन्होंने रामगढ़ घाटी में अपना बलिदान दिया। ये है हमारे बिरसा मुंडा, जिनको झारखंड में भगवान माना जाता है। ये जो पूरा महोत्सव हो रहा है उससे जो अनुगूंज निकल रही है वो भी हमें इस तरफ प्रेरित कर रही है कि हम जो रोजमर्रा के जीवन में फंसे हुए हैं उससे थोड़ा बाहर निकल करके इस आज़ादी की भावना को और मजबूत करें। इंडिजिनस आर्ट और कंटेम्परेरी आर्ट दोनों साथ साथ है। हमने यहाँ कोशिश किया दोनों का अंदर थोड़ा एफेयर हो जाए और शादी भी हो जाए। हम यहाँ चाहते हैं हम साथ खाएंगे, साथ पेंटिंग करेंगे, साथ डांस करेंगे और साथ मिलके एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। हमने कोशिश किया कि हमारे अपने बिलीफ को जिंदा रखें और जो बिलीफ से ही सृष्टि चलती है, विश्वास से ही इतना बड़ा जो योग्य कदम उठाया जा सकता है जो उन्होंने इंजीनियर वालों ने उठाया। अब देखिए कि ये ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा गया है वो उसको डेकोरेट करने के लिए नंदलाल बोस जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसका हिस्सा बनके हमें बहुत गौरव महसूस हुआ क्योंकि ऐसी इवेंट पहली बार हम लोगों ने अटेंड करा है एंड वी आर रियली थैंकफुल कि ये हमें अपॉर्चुनिटी दी गई। सबसे पहले इट वाज क्वाइट एन इनसाइटफुल एक्सपीरियंस, लाइक वी गेट टू नो अबाउट पीपल, देयर आर्ट फॉर्म, देयर स्टेट्स, वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। बहुत न्यू न्यू टेक्निक सीखी हम, बहुत छोटे आर्टिस्ट थे, मतलब कॉपी पेन इस पर इन सब पर ही हमने काम किया था एंड नाउ वी हैव पेंटेड दिस कैनवस विद देम एंड दैट इज़ द रियल प्राइड मोमेंट फॉर अस। हमारा है ना ये आदिलाबाद में कोमरम भीम है, हीरो ऑफ तेलंगाना ट्राइबल एरिया में ऐसा हुआ था, वहाँ पर निज़ाम सरकार ने फ्रीडम नहीं था वहाँ सिर्फ उन्होंने निज़ाम के लिए अगेंस्ट हुए फाइट करे फिर फ्रीडम लाए, उनका पोर्ट्रेट वहाँ पर बना है। सारा हिंदुस्तान जो है 15 अगस्त को फ्रीडम आया, सो इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि अभी हम नवाब के नीचे ही थे और वो मर्ज नहीं हुए थे, बट लोगों का ये मानना था कि कब हम मर्ज हो जाएंगे, वो खुशी के लिए हम वेट कर रहे थे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में 17 सितंबर को हैदराबाद को अपने इंडिया में विलीन किया। इतनी खुशी हमें मिल रही है, ये सब यहाँ पार्टिसिपेट करने का एक मौका हमको मिला है। दिस इज़ वेरी वंडरफुल, वी नेवर फॉरगेट इन आवर लाइफ टाइम। तो ये सारे जो कहानी ये डॉक्यूमेंट हो गया,
इस पर आप देखिए, इतनी बनिए और इसके बाद इसमें मूवी बनेगा, इसमें कविता लिखा जाएगा, इसमें स्टोरी होगा, इसमें थिएटर होगा, इतने सारा चीज़ होगा। तो ये मैं NGMA को और चित्रकारा यूनिवर्सिटी को साधुवाद देगा, दोनों का एक संगम हुआ ताकि ये संभव हो पाए।